हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है 28th of February का व्लॉग। और सुबह के दिन की शुरुआत ये घर के साफ़ सफाई से हो रही है। यहाँ पे शौर्य स्कूल जा चुका है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, और मैं यहाँ पे शौर्य को छोड़ने के बाद आने से ही मैं यहाँ पे घर का काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत पोछा लगाऊंगी, क्लीनिंग करूँगी, और फिर उसके बाद प्लांट्स में पानी दूंगी, और फिर खाना में लगूंगी। तो इस तरह से है, पूरा रूटीन को मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कि क्या कैसे करना है, कब करना है, पहले क्या करना है, नहीं करना है। तो इस हिसाब से आज सबसे पहले यहाँ पे क्लीनिंग हो रहा है, झाड़ू लगा रही हूँ, और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं पोछा में लगूंगी, क्योंकि आजकल धूल बहुत उड़ रहा है, गंदगी बहुत हो रही है। तो झाड़ू के साथ साथ पोछा लगाना करना पड़ता है, क्योंकि गंदा मुझे देख के अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं पोछा भी मार देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज कर दूँ, मतलब एक दिन बीच करके, क्योंकि डेली तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ डेली मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन पोछा नहीं। मैं ऑल्टरनेट डेज आजकल करने लगी हूँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है, फिर धूल वगैरह उड़ रहा है, और मतलब बोलते हैं ना अभी वैसा मौसम है, बहुत ड्राई वेदर है। तो यहाँ पे उसके साथ साथ प्लांट्स में पानी देना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और प्लांट सूख रहा है, और उसको डेली पानी का ज़रूरत होता है। तो प्लांट्स पे भी ध्यान देना है मुझे, क्योंकि बड़ा प्यार से सबको रखा है मैंने, बहुत केयर, मतलब बहुत ज़्यादा केयर नहीं, लेकिन हाँ केयर करती हूँ ताकि सब हरा भरा दिखे। तो यहाँ पे प्लांट्स को पानी दे रही हूँ, क्योंकि उनको भी पानी का ज़रूरत है, गर्मी बहुत है। तो अगर आप घर में प्लांट्स हैं तो उसका केयर करें, क्योंकि मौसम अभी बदल रहा है। उसके बाद मैं आ गई, यहाँ पे फ्रूट्स को धो के रख रही हूँ, क्योंकि मैं उसको पानी में फुला के रख दूँगी, ताकि अंश जब आएगा, शौर्य जब आएगा, तो उसको मैं दूँगी। तो मतलब यहाँ पे आज मेरे पास ग्रेप्स था, तो ग्रेप्स को मैं पानी तोड़ तोड़ के पानी में डिप करके रख दूँगी। आपको पता है कि ग्रेप्स मेरा सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, तो इसलिए जब भी ग्रेप्स खाना है तो उसको कम से कम आधा घंटा पहले फुला के खाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, इसको पकाने के लिए, इसको इसका अच्छा शेप आने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, ताकि इसको कीड़ा ना खाए। पेस्टिसाइड्स क्यों डाला जाता है? तो हाल ही फिलहाल मैं पढ़ रही थी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है या वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। तो फ्रूट में तो पता चला कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है ग्रेप्स में, और वेजिटेबल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स का, वो है कॉलीफ्लावर, कैबेज, इन सब चीज़ों में। तो कोशिश करें कि जब भी आप ये सब चीज़ बनाएं सब्ज़ी में और ये सब चीज़ खाएं, तो आधा घंटा ज़रूर फुला लें खाने से पहले, ताकि जो भी से पेस्टिसाइड्स है वो पानी के थ्रू निकल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक यही नहीं, कोई भी चीज़ को, कोई भी सामान अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसको खाने से पहले, बस फ्रूट्स में अगर केला है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केला सील्ड रहता है, पैक्ड रहता है वो अंदर छिलका के, तो उसको आप नहीं, बट लेकिन ये सब जो है ग्रेप्स, कोई भी, और उसके अलावा फल जो होता है, उसको पानी में ज़रूर फुलाएं, ताकि उसका जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो आपके पेट तक ना जाए। और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर खा रहे हैं तो ये सब सोचिए कितना केमिकल्स है इसमें, तो उनके हेल्थ पे क्या असर करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे हेल्थ के लिए तो फ्रूट्स खाना है, लेकिन फ्रूट्स कितना सेफ है, कितना अच्छा है, वो तो आपको नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है। तो इसीलिए कोशिश करें कि पानी में फुला के हाफ़ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर ज़रूर रखें, चाहे सेब हो, चाहे ग्रेप्स हो, बहुत, हाँ वाटरमेलन को ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी सील्ड रहता है,
और उसको, हाँ उसको भी पानी में फुला सकते हैं, अगर पूरा फुल जो है उसको पानी में फुला सकते हैं। तो सोचा कि इस टिप के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है दिन। तो आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और मतलब दिल खुश हो गया, और खुश होके जो एक आँख से आंसू आ जाता है ना, वो आज हुआ मेरे साथ। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं बताऊँगी आपको बाद में। फ़िलहाल आज है 28th of February और बस कल 29th है और कल फरवरी का एंड हो जाएगा। महीना, दो महीना बीत गया नया साल का। क्या क्या किया आपने, क्या कुछ नया सीखा, क्या किया अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और अपने लिए क्या किया, और बताइएगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग के साथ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ और इसको फुला के आती हूँ। अभी बज रहा है 9:30 और घर का क्लीनिंग वगैरह आज हो गया है। और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ब्लॉग एंड तक देखिएगा। प्लीज़ आपके बेनिफिट के लिए है ये, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड। मैं आपको सुबह में कह रही थी ना कि कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाता है तो आपको कैसा लगता है, मतलब कुछ अच्छा अनएक्सपेक्टेड, ख़राब नहीं। तो ऐसे ही सुबह सुबह जिसके शादी में गई थी मैं परसों, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए वो व्लॉग। और मैंने उसमें रेडी होने का पूरा प्रोसेस भी दिखाया, किस तरह आप सिंपल सा मेकअप कर सकते हैं साड़ी के साथ और किस तरह से सिंपल सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जिनको बहुत लंबा टाइम स्पेंड करना नहीं अच्छा लगता है अपने ऊपर, मतलब ज़्यादा रेडी होने में, या हेयर स्टाइल अगर नहीं आता है तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है हेयर स्टाइल बनाने का साड़ी के साथ बन, तो वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। तो वही मैं कह रही हूँ कि उन, वो मतलब जो आंटी हैं वो आई थी अभी सुबह सुबह, मुझे शादी का गिफ्ट देके गई हैं। और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब ये सिंपल सा है, सोसाइटी का दोस्ती है, सोसाइटी का शादी था, मतलब सोसाइटी से दोस्ती हुआ और शादी हुआ, उसमें हम लोग गए इन्जॉय किया। बट उन्होंने हमें इतना इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने हमें इतना समझा अपना कि सबको गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में जो आया वो देख के मुझे और भी खुशी हो गई। एक तो मिठाई का डिब्बा था, ऑब्वियसली मिठाई का डिब्बा तो रहेगा ही, तो उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसा चीज़ दिया जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे और था ना, दिल को छू जाता है, वैसा चीज़ दिया उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या दिया मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लक्ष्मी जी का ऐसे है और उनका चरण है और साथ में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और एकदम बोलते हैं ना कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो आपके आँख से आंसू, एग्जैक्टली सीरियसली ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मतलब लक्ष्मी जी को देख के मुझे एकदम से आँख से आंसू आ गया। तो बहुत अच्छा लगता है कोई आपको इस तरह से ट्रीट करता है, और स्पेशली मतलब अगर कोई, जैसे बात यहाँ लक्ष्मी जी का, मतलब मैं करूँगी बात यहाँ लक्ष्मी जी का। कुछ दिनों से बोलते हैं ना कि मैं, आपने मेरे शॉर्ट्स पे भी देखा होगा कि मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि लक्ष्मी जी को कैसे आप क्या कर सकते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में पधारे, बोलते हैं ना लक्ष्मी जी के साथ। तो सुबह सुबह उठ के आप अपने दरवाजे को पानी से धोएं, और पानी से धोने के बाद उसमें जो भी है, आप अगर आप रंगोली बनाते हैं तो रंगोली बनाइए, या कुछ और बनाते हैं तो बनाइए। तो पानी से धोने का यही तात्पर्य है कि आप लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं, आपका चौखट धोया हुआ है, आपका चौखट साफ़ है, तो लक्ष्मी जी कहाँ आती हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना घर साफ़ रखें। और ये मैंने 2 दिन किया, और देखिए मुझे ये लक्ष्मी जी का ये मुझे आज मिल गया, तो बहुत खुशी मिली मुझे। और एक होता है ना, शॉक्ड भी हो गई मैं, अरे मैं कुछ दिन से इस तरह से कर रही हूँ और ये मेरे घर पे आना एक साइन है कि शायद लक्ष्मी जी आए मेरे घर, और मुझे बहुत खुशी होगी। तो एक इस तरह से मैंने इसको रिलेट किया था और मेरे आँख से आंसू आ गया। तो ये देख के मेरा मतलब एकदम कंट्रोल नहीं कर पाई, एकदम से आँख से आंसू आ गया। तो
तो इसीलिए मैं, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो मान के आप उसी को, उनको कुछ देते हैं और उनसे उनकी कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं, बातें जुड़ जाती है, तो कितना, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बता नहीं सकती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे घर में आया, मेरी लक्ष्मी माँ मेरे घर आई। और अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मुझे नहीं है, बट ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कुछ दिनों से मैं ये कर रही थी। बोलते हैं ना, अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो वो आपके ऊपर है। बट मैं तो मानती हूँ और मैं मानी। और देखिए, लक्ष्मी माँ गिफ्ट के रूप में, लक्ष्मी माँ का चरण आना और लक्ष्मी माँ का फ़ोटो मिलना, ये एक साइन है। अब जिनको नहीं मानना है, जिनको लगता है कि ये सब मिथ है, तो नहीं, आपके ऊपर है। बट मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ, मैं भी बहुत अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ। और मानती हूँ तो ये भी मैं मानती हूँ कि चलिए मुझे ये मिला, हो सकता है एक साइन है। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। इसको मैं नहाने के बाद पूजा रूम में रख दूँगी और इसका भी पूजा करूँगी, क्योंकि एक तो ये गिफ्ट है और ये एक तरह से भगवान जी का चरण है, तो इसमें तो पूजा करना बनता है। तो ये मैं अपने मंदिर में रखूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने, नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसका पूजा करूँगी। और अभी बज रहा है 10:30 और शॉर्ट्स भी चेक किया कीजिए मेरा, मैं भी शॉर्ट्स में कुछ कुछ डालती रहती हूँ। कुछ इंफॉर्मेशनल भी रहता है, कुछ मज़ेदार भी रहता है, कुछ फ़नी रहता है, कुछ कॉमेडी रहता है, तो सब तरह का चीज़ आपको मिलेगा। शॉर्ट्स भी फॉलो करिए मेरा और देखते रहिए, बने रहिए। तो हाय गाइस, तो क्या वो चीज़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ? तो आज के व्लॉग का टॉपिक मेनली है कि मेन है आपके हेल्थ पे। तो आप कैसे, किस तरह से सिंपल एक्सरसाइज कर सकती हैं घर पे, और जिसको बोलते हैं होम वर्कआउट्स, तो वेट लॉस के लिए आप कौन सा वो एक्सरसाइज कर सकती हैं घर बैठे बैठे बिना बाहर जाए? तो चलिए वो जानते हैं और उसको करते हैं, और आप भी सीखिए मेरे साथ करिए, ताकि आप घर बैठे बैठे अपना वेट लॉस कर सकें। और इसको, कोई भी मैं एक्सरसाइज जो दिखाऊंगी वो 3 बार करना है, 3 के रेपिटेशन में 3 सेट करना है, और 10-10 मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रही हैं। तो 3 का सेट, कोई भी एक्सरसाइज का 3 का सेट करना है आपको। तो जैसे कि एक एक्सरसाइज को आप 10 बार किए, फिर 10 बार करना है, फिर 10 बार, मतलब 10-10-10 का 3 सेट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वेट लॉस करना चाह रही हैं तो रेपिटेशंस और सेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज का आप 10-15 बार उस चीज़ को कर रही हैं और उसका सेट 3 बार, मतलब 3 बार उसी एक एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। और हो सके तो प्लीज़ वेयर जिम क्लोथ्स घर पे। अगर आप वर्कआउट कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके मोटिवेशन का, तो जिम क्लोथ्स ज़रूर पहने, ताकि आपको अंदर से एक मोटिवेशन आए और फिटनेस, मतलब फिट आप रहें। घर का कपड़ा पहन के आप करिएगा, जैसे कि आप कुछ सूट पहने हैं, ये सूट भी पहन के आप कर सकती हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल है। लेकिन मैं चाहूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि आप जिम वेयर ज़रूर पहने, एक पैंट और एक टी शर्ट, इस तरह से आपका बॉडी पूरी तरह से फ्री रहेगा। जैसे कुछ और ड्रेस पहनने से आपका ध्यान उसमें अटका रहेगा, तो इसीलिए बेटर है कि आप अपना कुछ एक टी शर्ट और एक पैंट ज़रूर पहने। और मतलब मेरा ये आपको ओपिनियन है, आपको मानना है नहीं मानना है वो आपकी ऊपर है, बट मेन है कि आप अंदर से भी वो महसूस करें, मोटिवेटेड महसूस करें कि आपको एक्सरसाइज करना है और आपको वेट लॉस करना है। तो चलिए, बहुत बोलना तो हो गया बहुत, अब चलिए करते हैं एक्सरसाइज। और अगर ये एक्सरसाइज बेसिकली मैं होम वाला एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, जो लोग जिम नहीं जा पाते हैं उनके लिए है एक्सरसाइज। तो अगर आपके पास डंबल्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वाटर बॉटल में पानी भर के भी
यूज़ कर सकती हैं। एक बार पहले भी मैंने दिखाया है, 1 लीटर के बॉटल को आप भर के उससे भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। नहीं तो आपका बॉडी वेट है वो भी है, वो बॉडी वेट एक्सरसाइज भी आप कर सकती हैं जो आप बिना किसी चीज़ की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हमारा वार्म अप हो गया है। अब इसके बाद सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है अपनी ही जगह पे एम करता है, इस पोर्शन के बारे में यहाँ पे इसको फोकस करता है। जब भी आप इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर लगता है, तो ये जो बेली है, बेली फैट, उसके ऊपर असर होता है। इसका हम तीन सेट करेंगे और 20-20 टाइम्स ये करना है। तो अभी हमने 10 किया, इसलिए मैं एक सेट करूंगी, बट आप जब करें तो तीन तीन सेट करें। अब है नेक्स्ट, ये पहला हो गया, अब ये है नेक्स्ट सेकंड क्या है, उसी पोजीशन में अब आपको नीचे बेंड होना है। ऐसे कर लेंगे, पैर फैला लेंगे, हाथ इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका भी 20 करना है, 20, 20, 20। तो ये अगेन इस एरिया को फोकस करता है, इस एरिया में बर्न होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेचिंग भी हो गया और यहाँ पे भी फोकस हो जाता है। तो मेनली हम आज इसी चीज़ पे फोकस करेंगे, बेली फैट को रिड्यूस कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें, और वेट लॉस के साथ साथ बेली फैट के साथ साथ वेट लॉस भी करना है। तो बेली फैट जंप करना, 1, 2, 3, 4, 5,
फोर्थ, चौथा एक्सरसाइज क्या है, क्या कर सकते हैं। तो अब हम तो बेसिकली जो चीज़ हमने अभी खड़े होके किया, जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज था, जो हमने हाई नी रेज किया, उसको हम लोग लेट के करेंगे। ये मैट है, यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो पूरा यहाँ पे इसको डीप अंदर तक ऐसे पुश करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। अब मैं बताऊंगी आपको फिफ्थ एक्सरसाइज। तो फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए सेम पोजीशन के साथ आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको यहाँ पे ये हाथ को यहाँ पे अपने बम के पास, मतलब यहाँ पे आपको टक कर लेना है, अंदर में टक कर लेना है, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, शुरू में आपको दिक्कत होगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से हो जाएगा। इसका आपको 20-20 तीन सेट करना है, हर एक्सरसाइज का, 5 एक्सरसाइज मैंने आज बताया, 5 एक्सरसाइज का 3-3 सेट करना है, और 20-20 बार करना है। तो ये 5 एक्सरसाइज मेनली बेली के ऊपर फोकस्ड है। तो 5 एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताया, ये टोटली बेली के ऊपर फोकस्ड है, बेली फैट के ऊपर फोकस्ड है। तो अगर आप अपना बेली फैट को कम करने का मतलब टारगेट कर रहे हैं बेली फैट को, तो वैसे तो मैं कहूँगी कि ओवरऑल वेट, ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल सब कुछ ओवरऑल करना चाहिए, ओवरऑल वेट लॉस करना चाहिए। बट अगर आप कोशिश कर रहे हैं मेनली बेली फैट घटाने का, तो ये 5 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं घर पे, घर बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के। तो हाँ, बट इसको रिलीजियसली करना है, आपको डेली करना है, जब भी आपको मौका मिले, और कोशिश करें कि खाली पेट आप करें, मतलब अगर खाना खाया है तो उसके 1 घंटा बाद करें, क्योंकि ये एब्डोमेन का एक्सरसाइज है मेनली। तो अगर आपने खाना खा के तुरंत करेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, अनईजी लगे, तो इसलिए बेटर है कि आप खाना खाने के 1 घंटा बाद करें, मतलब ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटा बाद करें, या तो सुबह उठ के आप करें। ये आपके ऊपर है टोटली, आपको किस टाइम पे सूट करता है, ऐसा कोई टाइम नहीं है, कभी भी आपको जब मन कर 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 सकते हैं। बट हाँ, हेवी खाना खाने के बाद करेंगे तो शायद आपको अनईजी लगे, तो इसलिए ना करें बस। और इसको रिलीजियसली फॉलो करें, अगर आप बेसिकली बेली फैट को घटाने का कोशिश कर रहे हैं, बेली फैट पर टारगेट कर रहे हैं, और ओवरऑल वेट लॉस किस तरह से कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या क्या डाइट में इंक्लूड करना है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो उस सेपरेट, अभी फ़िलहाल मैं आज बताई हूँ कि वेट बेली फैट का को कैसे हटा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो बेसिकली आज का ये जो एक्सरसाइज था उसी के ऊपर था। तो कोशिश करें कि आप करें, ताकि आप
आपका बेली फैट घटे और आपको खुशी मिले। तो इसीलिए आज का ये 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, आप घर पे करिए और आप का कैसा रिजल्ट है ये आप बताइए। और साथ ही साथ आप वॉकिंग कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, बट सिर्फ वॉकिंग करने से ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वॉकिंग के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हैं, घर पे एक्सरसाइज कर रही हैं और घर का काम कर रही हैं, तो काफ़ी आपका फिटनेस, आपका बॉडी फिट रहेगा, तो बॉडी में फिटनेस रहेगी। तो इसीलिए अपना काम खुद करें, अपना काम जितना हो सके खुद करें, क्योंकि घर के कामों में भी काफ़ी मेहनत लगता है, तो वो भी एक तरह से आपको फिट रखने में हेल्प करेगा। जितना हो सके सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि आप अपना काम खुद करें, चाहे वो घर का झाड़ू पोछा बर्तन या कोई भी चीज़ हो। तो इसके साथ साथ अगर आपने ये 5 एक्सरसाइज और भी इंक्लूड कर लिया अपनी डेली रूटीन में, तो और भी 4 चांद लग जाएगा। तो आज का ये बताने का यही एम था कि आप घर बैठ के आराम से इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं और एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज होता है, चाहे आप घर में कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं। बेसिकली एम होता है कि आप अपने आप को एक्टिव रहें और अपने आप को मतलब बोलते हैं ना फिजिकली एक्टिव रहें, ये नहीं कि आप लेथार्जिक होके सिर्फ एक जगह बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, तो उससे आपका वेट और बेली ये सब नहीं कम हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव रहें, घर का काम अपना काम खुद करें और वॉकिंग करें, अच्छा खाना खाएं और हिसाब से खाएं, बहुत ज़्यादा छाना हुआ तला हुआ ये सब खाना खा के तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो हिसाब से खाएं, समझ के खाएं और समझदारी से खाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ इज़ वेल्थ, हमेशा मैं बोलती हूँ। सारा कुछ चला जाएगा, कोई नहीं आएगा अगर आपका हेल्थ, मतलब कोई नहीं आपको सहारा देगा, कोई नहीं आपके लिए कुछ करेगा, अनलेस एंड अंटिल आप अपने लिए जब तक हैं अपने आप का, अपने बॉडी का ध्यान रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने के लिए। तो चलिए गाइज, आज इतना ही मुझे बताना था इस सेशन में, इस पार्ट में। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि अगर आप और भी इस तरह का एक्सरसाइज वाला ब्लॉग्स देखना चाहती हैं तो एक यस कर दीजिए, और कुछ और देखना चाहती हैं, कोई आप मैं क्या खाती हूँ एक दिन में या डाइट में क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी एक सेपरेट ब्लॉग में। तब तक बने रहिए, मिलती हूँ आपको थोड़ी उसके यहाँ पे। मैं जो मुझे मिला है गिफ्ट में वो लक्ष्मी माँ, उसको मैं यहाँ पे आज इसका पूजा करके उसको रख दूँगी मंदिर में ही, क्योंकि और कहीं रखने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मंदिर में ही रखूँगी ताकि इसकी मैं पूजा कर सकूँ। हालांकि बोला जाता है कि एक साथ दो भगवान सेम भगवान नहीं रखना चाहिए, उनका पावर जो उनका जो ऑरा होता है वो क्लैश होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लक्ष्मी गणेश है, बट ये सिर्फ लक्ष्मी जी का फ़ोटो है, तो देखती हूँ अभी फ़िलहाल तो रखूँगी, लेकिन कभी पंडित जी से बात करने का मौका मिलेगा तो पूछूँगी कि दूसरा कहाँ इसको इसके स्थान को कहाँ बनाया जा सकता है, ताकि इसका पूजा भी हो और दो सेम भगवान का ऑरा क्लैश भी नहीं हो। तो खैर अभी फ़िलहाल तो मैं इसका पूजा कर रही हूँ और बड़ा अच्छा लगा था मुझे पूजा करके, और दिया जलाती हूँ, जो भी बेसिक डेली का जो मेरा ये ज़्यादा नहीं, बस दिया और पानी रखती हूँ और धूप बत्ती जलाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये काम भी हो गया है। उसके बाद मैं दिन का खाना में लगूंगी। दिन का खाना में आज मैं बना रही हूँ राजमा और चावल, तो राजमा के लिए तैयारी कर रही हूँ प्याज मिर्ची वगैरह कट करके और उसको पीस के बनाऊंगी, मिर्ची टमाटर लहसुन अदरक सबको पीस के, और उसको बनाना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत बार मैंने आपको दिखाया है। तो इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने बनाया शाम को। ये सब तो हो गया, दिन का खाना वगैरह हो गया था और हमने खाना खा लिया था,
उसके बाद शाम में ना, एक्चुअली मुझे ना कुछ दिन पहले ना खीर गाजर मंगवाया था, वो लाल वाला गाजर होता है ना, जिसका जिसका वो बनता है, क्या बोलते हैं, खीर भी बनता है, इसका हलवा बनता है बेसिकली। तो बहुत दिन से रखा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं, और एक्स्ट्रा दूध भी था मेरे पास, तो यहाँ पे वही मैं यहाँ पे सबसे पहले छील लूँगी। छीलने के बाद उसको घिसना है, मतलब कद्दूकस बोलते हैं ना वो, ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो उसके बाद आज मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो रोज़ दिन कुछ ना कुछ। इसके पहले मैंने बनाया था मखाना का खीर, और वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन के लिए एक आध दिन चलेगा मेरा हलवा, गाजर का हलवा, तो वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वही इसको ग्रेट करके बनाऊँगी। इसके पहले भी मैंने आपको एक बार दिखाया है, इसको सिंपल है, दूध के साथ इसको पकाना है, और दूध जब सूख जाए तो उसमें थोड़ा सा घी, फिर चीनी डाल के, फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको पकाना होता है। तो सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, बहुत लोग पहले घी में फ्राई करते हैं तब उसमें दूध डालते हैं, बट नहीं, मैं दूध के साथ इसको फ्राई करूँगी, दूध के साथ इसको पूरा इसको ये पकेगा, और उसके बाद उसके मैं चीनी डालूँगी या घी डालूँगी। तो ये इस तरह से मैं बनाती हूँ, ये मेरा प्रोसेस है। तो यहाँ पर दूध को खूब अच्छा से बॉईल करके, और उसके बाद मैंने इसमें गाजर जो था वो डाल दिया, और साथ साथ उधर मेरा दूध भी बॉईल हो रहा है, और उसके साथ साथ मेरा चाय भी बनेगा कुछ देर में। अभी फ़िलहाल मैं इसको चढ़ा के छोड़ दूँगी, और क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, मुझे ऑलमोस्ट लग गया था 1 से 1.5 घंटा इसको पूरा बनाने में, और काफ़ी लंबा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं चढ़ा के इसको छोड़ देती हूँ, ताकि ये अपना बनते रहे, और साथ साथ बाकी का काम भी करती रहती हूँ। और कोई भी हलवा को बनने में टाइम तो लगता ही है, उसको पकना होता है, सिझना होता है, और गलना होता है, कोई भी अगर किसी भी चीज़ का हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पे वही वो प्रोसेस में उसको लगा के मैं छोड़ दी थी। उसके बाद ये देखिए दूध पूरा सूख गया है, अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था और उसके बाद चीनी डाला था, और इसको फिर से पकाएंगे ताकि पूरा इसका जो पानी है वो सोख ले। और इसके बाद लास्ट में मैंने डाला था ड्राई फ्रूट्स, तो मेरे पास यहाँ पे था किशमिश, काजू और बादाम, ये तीन चीज़ था। तो बादाम को मैंने उसी ग्रेटर से एक बार, बहुत पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि ये मैंने मंगवाया था अमेज़न से, तो ये बड़ा आसान हो जाता है इससे ड्राई फ्रूट्स कट करना। इसको ड्राई फ्रूट कटर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं अमेज़न पे, कोई भी कहीं पे मिल जाएगा। ये 100 रुपये का मिला था, दम है। कैसा टेस्ट है? मीठा ठीक है? अच्छा ठीक है। और मतलब कैसा, अच्छा लग रहा है? अच्छा है। और मीठा डाल दे क्या? थोड़ा और डाल सकती हो, ड्राई फ्रूट डाले। बढ़िया, ओवरऑल टेस्ट इज नाइस। उसके बाद मैंने फटाफट रात के खाने का तैयारी करने लगी। रात के खाने में रोटी बनेगा, और साथ में सुबह में जो राजमा बना था वो भी काफ़ी बचा हुआ है, तो बस रोटी, राजमा और साथ में थोड़ा एग्स वगैरह बना के हमारा ये डिनर है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको किसी भी रीज़न से पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बने रहें मेरे साथ मेरे इस जर्नी में, मेरे इस ब्लॉग के थ्रू। और कुछ भी अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, बिल्कुल फ्री है। चलिए गाइज, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज, बाय। Thank you.